आई एम एट अ फैंसी रेस्टोरेंट, तो यहाँ की एम्बियंस, हॉस्पिटैलिटी और प्रोडक्ट्स वगैरह देख के मेरे माइंड में कुछ आया था। आई वाज लाइक कि क्विकली शेयर कर देते हैं बिफोर वी स्टार्ट आवर फैंसी मील। तो आई क्विकली वांट टू मेंशन कि इफ़ यू वांट टू सेल अ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट या हाई प्राइस प्रोडक्ट, तो मोर देन द प्रोडक्ट द एक्सपीरियंस और वो सब मैटर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी केम हियर, तो अभी ये सब खाने से पहले वी हैव एक्सपीरियंस सच गुड हॉस्पिटैलिटी। इवन द प्रोडक्ट जैसे कि ये बॉटल है पानी की, तो दिस वॉज such a new thing even for me. Even small things like these, फिर जो hospitality है, ambience है, that is on point, तो इसलिए they can charge higher. तो if you are also in business, तो experience matters even before you get the final product. Anyway, let's enjoy the food now. हेलो आरे, कैसा है भाई? मैं बढ़िया। मैं पूछा था कि कैन आई गेट योर पोर्टल गन? क्यों यार, हम भी तो फर्स्ट यूनिवर्स में अलग अलग चीज़ें इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो हमको भी एक्सप्लोर करना है और यूनिवर्स। अच्छा, नहीं मिल सकती? ठीक है भाई, विल बिल्ड आर ओन। ओके बाय। तो भाई, बिफोर आई टेल यू इस वीक का समरी, आज संडे है तो इस वीक का रिकैप देने से पहले आई वॉन्ट टू क्विकली शो यू फ्यू ऑफ द गिफ्ट्स आई हैव रिसीव्ड। तो इफ यू आर अ फैन ऑफ रिक एंड मॉर्टी, क्योंकि मैं तो हूँ, आई हैव शोन यू वो डिज़ाइन जिसके अंदर वो रिक एंड मॉर्टी का पोर्टल वगैरह है। तो आई हैव रिसीव्ड दिस रिक, इफ यू वॉच द एपिसोड जिसके अंदर रिक पिकल में बन जाता है, तो दिस इज फ्रॉम दैट एपिसोड, पिकल रिक। एंड देन आई हैव रिसीव्ड दिस न्यू मग कप, जो भी इसको बोलेंगे, तो FIRBT विद दिस स्काई एंड ऑल। तो आज से गर्म चीज़ तो नहीं पी सकते, इट इज मेड आउट ऑफ क्ले, तो आज से ठंडी ठंडी चीज़ें इसी में ही पियेंगे। लेट्स इसका इनॉग्रेशन करते हैं, अभी तक कुछ नहीं पिया इसमें, बट सो सेक्सी, क्या मस्त लग रहा है भाई। वन ऑफ वन ओनली फॉर मी। इफ यू ऑल्सो नीड दिस, तो आई डोंट नो वेर यू कैन गेट दैट फ्रॉम, बट मैं तो रिव्यू करूँ, ऑलवेज अ गुड सॉन्ग। चीयर्स। तो आज संडे है, लेट्स क्विकली रीकैप इस वीक में क्या क्या हुआ है। तो फॉर स्टार्टर, जो न्यू चेकआउट सिस्टम था वेबसाइट पे, वो लाइव हो चुका है, दो तीन दिन हो गए हैं, सो फार सो गुड, इट इज हेल्पिंग अस। उसके अलावा टू डेज अगो वी हैव फाइनलाइज दिस एजेंसी जो हमारी वेबसाइट पे काम करेगी, दे विल मेक द वेबसाइट मच बेटर, एंड उसका जो UI UX होगा वो और इम्प्रूव करेंगे वो, तो दैट इज अ गुड पॉइंट। 3 to 4 days के अंदर इट शुड बी लाइव। उसके अलावा अभी लास्ट वीडियो में आई शोड यू नया फैब्रिक वगैरह जो वेयर हाउस लेने गए थे तिरुपुर से आया, तो अब उस पर हम सैम्पलिंग करना स्टार्ट करेंगे, क्या क्या प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, टेक यू थ्रू द फैब्रिक एंड प्रोडक्शन वगैरह कैसे क्या होता है, उसका भी वीडियो बनाएंगे, तो उस पर वर्किंग चल रही है। उसके अलावा न्यू एसिड वॉश टी शर्ट डिज़ाइन और शॉर्ट्स वो भी रेडी हो गए हैं, तो उसका शूट प्लान करना है, एंड मोस्टली ये। उसके अलावा हाँ, क्योंकि विंटर्स आर कमिंग, तो वी हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन एसिड वॉश हुडी एंड एसिड वॉश स्वेट पैंट। भाई बहुत सेक्सी लगेंगे, क्योंकि विंटेज वाइब, और अभी वैसे भी एसिड वॉश ये सब बहुत ट्रेंड में है, तो दैट हुडी, बैगी हुडी विद एसिड वॉश स्वेट पैंट्स, भाई 100/10। तो वी आर वर्किंग ऑन दैट, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। लेट मी क्विकली टेल यू
what exactly is acid wash. जैसा कि the word itself explains, ठीक है, this t-shirt is normal white t-shirt आई, ठीक है, अभी white t-shirt आई, उसके बाद में acid इस पर डलता है, then वो wash होता है washing machine वगैरह में, तो जो acid होता है वो it leaves those marks वगैरह या patterns वगैरह, so that is how acid wash happens. There is another technique called stone wash. अब stone wash में क्या होता है? There are different type of stones. तो तुम बहुत बड़ी washing machine होती हैं जहाँ पे ये धुल सकती हैं fabric, t-shirts वगैरह. तो उसके अंदर क्या होता है? वो stone रखा जाता है. Then product रखा जाता है. Product ऐसे नहीं होता. ये एक तरीके से रखा जाता है. Fabric को कट करके रखते हैं. तो फिर वो stone अपने mark छोड़ता है. तो that is called stone wash. फिर बहुत अलग अलग type की washing techniques होती हैं. तो उससे अलग अलग pattern बनते हैं. And the slight drawback is shrinkage आ जाता है थोड़ा products में. अब मानो ये t-shirt गई for acid wash, थोड़ी सी ये shrink हो जाएगी. So that is a drawback, but then sexy लगती है उससे काफ़ी. तो all of this is happening. उसके अलावा let me show you our new drop which went live on the website, doing wonders again. इसका shoot वगैरह was something new we tried. तो this one, this is this one, yeah. ये है brown striped bowling shirt. भाई look at these photos. ठीक है, this and then there is this ये also. So these two products, ये 5 दिन हो गए live हुए, I think 4 to 5 days. नेक्स्ट कलेक्शन इज स्पोर्ट्स जर्सीज वगैरह हमारा, जिसका शूट हो गया था, उसका बहुत सॉलिड ब्लॉग भी बना है, तो वील तो एक दो दिन में वो भी लाइव हो जाना चाहिए. तो मतलब बहुत ही सॉलिड अच्छे अच्छे ड्रॉप्स आर कमिंग सून. तो स्टे ट्यून्ड. गुड मॉर्निंग, इट इज अ न्यू डे, अ न्यू वीक. मंडे आज. मेरी हालत थोड़ी टाइट है, जुकाम वगैरह लग रहा है, बट आज एक तो आई हैव टू फाइनलाइज द फोटोज वगैरह, जो फोटोशूट किया था जर्सीज वगैरह का, तो उसकी फोटोज़ वगैरह मेरे को फाइनलाइज करनी है. नंबर्स वगैरह ऐसे तो ऑलमोस्ट मैंने कर ही लिए, तो फिर नंबर्स वगैरह फाइनलाइज करके एडिटर को बताने हैं, फिर वो फाइनल टचअप्स करेगा. उसके अलावा अभी एड एजेंसी के साथ कॉल है. एवरी मंडे वी डू दिस कॉल, जिसके अंदर लास्ट वीक का जो भी समराइज करना होता है कि क्या क्या सही हुआ था, क्या क्या गलत हुआ था, कौन सा एड परफॉर्म कर रहा था, कौन सा स्टैगनेंट हो रहा है, क्या चेंजेस लाने हैं, तो वो सब एवरी मंडे वी डू दैट कॉल. उसके अलावा उसके बाद में आई ऑल्सो हैव अ कॉल विद द वेबसाइट एजेंसी, जिसको फाइनलाइज किया था अभी 2-3 दिन पहले, तो उनसे भी कॉल करनी है कि क्या थीम फाइनल करेंगे, कैसे क्या वेबसाइट का फीलिंग होगी. तो लेट्स गेट इनटू इट. एक सही मेट्रिक है हमारे लिए, परचेज हमारा इम्प्रूव हुआ है. जैसे मैंने आपको बोला कि एक तो सीपीएम हमको महंगे पड़े इस वीक, अभी जैसे सेल्स वगैरह आएंगे फेस्टिवल, तो सीपीएम यहाँ से थोड़े महंगे आते रहेंगे, और हमारे 48% से इंक्रीज हुए. सीटीआर हमारा 16% से डिप हुआ है, ठीक है. और जो हमारे स्केलिंग कैंपेन्स है, ये 3 स्केलिंग के कैंपेन्स है. एक तो क्रिएटिव टेस्टिंग कैंपेन, जिसमें हमारा ओवरऑल 4.33 का रोआ सारा है, इसमें हमारा रोजिंग यूटिलिटी काफ़ी अच्छा चल रहा है, और कार्गो वाला उस पर हम 20% इंक्रीज किए हैं ऑलरेडी, ठीक है. आप बोल एक तो मेरे को बताओ, आप बोल रहे हो ना कि वो किसके अंदर न्यू क्रिएटिव चाहिए. अपन जैसे पहले शर्ट और देखो यूटिलिटी शर्ट और कार्गो को यूज़ ही नहीं कर रहे थे इतने टाइम से, है ना, उसको यूज़ किया और मेजरली सेल उधर से ही आई है. तो जहाँ पे स्टैगनेंट, जिस कौन सा कैंपेन बोल रहे थे आप जो स्टैगनेंट हो रहा है थोड़ा? ये तो कॉस्ट कैप का बोल रहा था, कॉस्ट कैप का जो है वो स्टैगनेंट हो रहा है 2.5 का. तो इसके अंदर है ना अपन है ना जैसे रोज विंग टी शर्ट की वीडियो, हाँ, इसको शर्ट से रिप्लेस कर देते हैं. हाँ, यूटिलिटी शर्ट तो चलाए नहीं, वो तो कर देंगे डेफिनेटली. इसको टैंक टी के अंदर अपन इसके साथ वो ऐड कर सकते हैं, जैसे एक बार अपना इंस्टा खोलना. नहीं, हाँ, कार्गो और जो बेस्ट सेलिंग है वो तो आप करी दो स्वेट पैंट्स और वो सब. So, Swapnil, here we have Ankush Vitash. Hi, Ankush. So, Ankush is our main developer. Okay. And also the project coordinator. Okay. So,
he will be giving you the briefs and everything on the behalf. बस मुझे बस एक बात का confirmation चाहिए होगा. हाँ हाँ. ये किस वाले theme पे अपन shortlist करके जा रहे हैं? Theme अपन ने shortlist करी कहाँ भी? अच्छा. Okay okay. मतलब मैंने आपको references दिखाए थे जो website वगैरह थी अपन को ऐसे similar थोड़ा premium look type चाहिए क्योंकि photos वगैरह सब है अपने पास. अभी जो अपनी theme है वो normal Shopify की theme है. तो ये एक डिज़ाइन ऑप्शन है, ये आपका मेनू सेक्शन यहाँ पे आ जाएगा और ये आपको मेगा मेनू भी मिल जाएगा और ऊपर से ये कुछ यू नो आपका क्रॉस साइट मतलब मार्केटिंग में काम आएगा कि किसी ने ये परचेज किया है एंड ऑल. ये ऐड ऑन फीचर होगा या थीम के अंदर ही होगा? हाँ वो थीम के अंदर ही हो जाएगा आपका. भाई सॉलिड वर्कआउट हो गया है एंड आई रिसेंटली गॉट दिस. लेकिन बिफोर आई रिव्यू दिस आई क्विकली वॉन्ट टू टेल कि इफ यू आर अ गर्ल एंड यू आर वॉचिंग माई वीडियो तो आई वॉन्ट टू से क्योंकि मैंने काफी सुना है लोगों को लड़कियों को बोलते हुए कि इट इज वेरी हार्ड टू गिफ्ट समथिंग टू अ मैन. भाई बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है. इफ यू वॉन्ट टू गिफ्ट समथिंग टू अ मैन या तो कोई खिलौना कोई टॉय या गैजेट गिफ्ट कर दो हम उसमें बहुत खुश हैं. मेरे को ये मिला है तो आई लाइक भाई इसमें मजा आएंगे ये होता है असली गिफ्ट. तो लेट्स रिव्यू दिस. ये है मतलब वो ये खिलौना टाइप ही है मोर देन मतलब इसका रिप्लेसमेंट. तो अब इसको चार्ज पे लगाया है. नाउ लेट्स रिव्यू दिस. स्टेप वन सबसे पहले इसके अंदर डालो प्रोटीन जो कि मैं इसमें लेके आया था. हमें डालते हैं फिर स्टेप टू एड वाटर स्वाद अनुसार. दांत तो नहीं लग गया. कर दो आप. 3, 2, 1. पोर्टेबल मिक्सी है बेसिकली. हो गया होगा अभी तक है ना. करते हैं टाइम टू टेस्ट इट. कर दिया भाई अच्छे से ब्लेंड. सही है भाई बट मतलब इससे भी हो जाएगा. इट इज बेसिकली कि कोई बनाना या कुछ और भी डालना हो और तुम ज्यादा बिजी हो घूम रहे हो ट्रैवल कर रहे हो और क्विकली इफ यू वांट टू मेक योर स्मूदी सो बेसिकली इट इज फॉर दैट. एनीवे सी यू टुमारो.